हे गाइस, सो फाइनली आईपीएल 2022 का ऑक्शन अब खत्म हो चुका है एंड जो 10 की 10 टीम्स है उनका फाइनल स्क्वाड हमारे सामने आ चुका है जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो स्टार्ट करना चाहूँगा मैं चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड से। तो चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में आपको देखने को मिल जाएंगे उनके रिटेन प्लेयर्स MS धोनी, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़। ये चार प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया था। इसके बाद अगर हम स्क्वाड के ऊपर आए तो रॉबिन उथप्पा को इन्होंने ऑक्शन में खरीदा है। देन आपको इन्हीं के फॉर्मर प्लेयर ड्वेन ब्रावो, अंबाती रायुडू, दीपक चाहर, सी हरी निशांत, एन जगदेशन, केम आसिफ, देन आपको तुषार देशपांडे देखने को मिल जाएंगे, शिवम दुबे, क्रिस जॉर्डन, महेश टेक्साना, राजवर्धन हंगरेकर, सिमरजीत सिंह, डेविन कॉनवे, ड्वेन प्रिटोरियस, मिचेल सैंटनर, एडम मिल्न, शुभ्रांशु सेनापति, मुकेश चौधरी, प्रशांत सोलंकी एंड के भगत वर्मा। तो ये पूरा का पूरा स्क्वाड है यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स का। इसके बाद अगर हम आए दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर तो दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया था ऋषभ पंत को, पृथ्वी शॉ को, अक्षर पटेल को एंड एनरिक नॉर्थजे को। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि दिल्ली ने किन प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीदा है, दिल्ली का ऑक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा गया है वी ऑल नो। तो दिल्ली की टीम में आपको यहाँ पे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, मुस्ताफिजुर रहमान, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अश्विन हेबार, सरफराज खान, कमलेश नागरकोटी, केश भारत, मनदीप सिंह, सैयद खलील अहमद, लुंगी सनी नगीडी, चेतन सकारिया, यश धुल, विकी ओस्टवाल, रिपल पटेल, ललित यादव, रोवमैन पवेल, टीम साइफर्ट एंड प्रवीण दुबे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम अगली टीम के ऊपर चलते हैं जो कि है यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने आंद्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारेन को रिटेन किया था। इसके बाद आपको यहाँ पे कोलकाता की टीम में बहुत सारे नए प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक आपको वहाँ पे पैट कमिंस देखने को मिल जाएंगे जिनको ऑक्शन में ख़रीदा गया है, अच्छा खासा पैसा दे के, अच्छा खासा मेहनत करके यहाँ पे ख़रीदा गया पैट कमिंस को। देन आपको यहाँ पे श्रेयस अय्यर देखने को मिल जाएंगे। श्रेयस अय्यर के बाद आपको यहाँ पे मोहम्मद नबी देखने को मिल जाएंगे, नितेश राणा देखने को मिल जाएंगे, सैम बेलिंग्स, उमेश यादव, शिवम मावी, सेल्डन जैक्सन, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अनुकूल रॉय, एलेक्स हिल्स, राशिक दर, टीम साउदी, बाबा, इंद्रजीत, चमिका, करुणा रत्ने, अभिजीत तोमर, अमन खान, रामेश कुमार, प्रथम सिंह एंड अशोक शर्मा देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम अगली टीम की तरफ चले तो वो है यहाँ पे मुंबई इंडियंस की। वी ऑल नो मुंबई इंडियंस ने किसको रिटेन किया था, वहाँ पे आपको रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, कैरन पोलार्ड एंड जसप्रीत बुमराह का नाम देखने को मिल जाता है। ऑक्शन भी मुंबई का अच्छा खासा ही गया है। फर्स्ट डे पे लगा था कि मतलब ऑक्शन सही नहीं गया, बट सेकेंड डे पे अनडाउटेडली मुंबई ने यहाँ पे अच्छे खासे प्लेयर्स खरीदे एंड सेकेंड डे उनका बहुत अच्छा गया। आपको यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन, डेविड ब्रेविस, अनमोल प्रीत सिंह, बसिल थम्पी, मुर्गन अश्विन, जयदेव उनाटकट, मयंक मार्कंडे एन तिलक वर्मा, संजय यादव, जोफ्रा आर्चर, डैनियल सैम्स, टाइमल मिल्स, टीम डेविड, रमनदीप सिंह, आर्यन जुआल, फैबियन अलीन, राइली मेरिदिथ, राहुल बुद्धि, ऋतिक शौकीन, मोहम्मद अरशद खान एंड अर्जुन तेंदुलकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में। देन आगे चले तो अगली टीम है यहाँ पे पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स ने दो ही प्लेयर्स को रिटेन किया था जो कि थे यहाँ पे मयंक अग्रवाल एंड फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह। लेकिन यहाँ पे ऑक्शन की बात करें तो ऑक्शन अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज़्यादा अच्छा गया है पंजाब का। आई होप कि इस बार परफॉर्मेंस भी अच्छा ही करे। शिखर धवन, कगिसो राबाडा, जॉनी बैरिस्टो, राहुल चहर, हरप्रीत ब्रर, शाहरुख खान, जितेश शर्मा, प्रभ सिमरन सिंह, ईशान पोरे, लियम लिविंगस्टोन, ओडेन स्मिथ, संदीप शर्मा, राज अंगद बाबा, ऋषि धवन, नेथन एलिस, प्रीरक मानकड, अथर्व टाइडे, वैभव अरोरा, भानुका राजा पक्सा, बेनी होवेल, ऋतिक चैटर्जी, बाल्टेज धांधा एंड अंश पटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे
पंजाब किंग्स के स्क्वाड में। देन अगली टीम के ऊपर चले तो वो है यहाँ पे हल्ला बोल राजस्थान रॉयल्स की टीम। इनका अभी ऑक्शन अच्छा खासा गया है। वैसे रिटेन इन्होंने संजू सैमसन, जॉस बटलर एंड यशस्वी जायसवाल को किया था। ऑक्शन के बारे में बात करें तो ऑक्शन अकॉर्डिंग टू मी अच्छा खासा ही गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ अच्छा गया है। ट्रेंट बोल्ट, सिमरन हेटमायर, देवदत्त पडिक्कल, प्रसिद्ध कृष्णा, यूजी चहल, रियान पराग, केसी कारियप्पा, जेम्स निसम, नेथन कुल्टरनाइल, नवदीप सैनी, कुलदीप सैन, करुण नायर, रेसी वेंडर डसन, ये एक अच्छा पिक लगा मुझे। डैरियल मिचल, ओबेड मैकोए, ध्रुव जुरेल, तेजस बारोका, कुलदीप यादव, शुभम गारवाल एंड अनुनय सिंह आपको देखने को मिल जाएंगे। सॉरी, मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा खासा ऑप्शन गया है यहाँ पे, डिसेंट से ज़्यादा अच्छा गया है। देन आगे चले तो यहाँ पे आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम देखने को मिल जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने वियॉन लूप, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल एंड मोहम्मद सिराज को रिटेन किया था। एंड अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उन प्लेयर्स के बारे में जिनको बैंगलोर ने खरीदा है ऑक्शन में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फैफ डू प्लसेस, वन इन डू, हसरंगा, हर्षुल पटेल, दिनेश कार्तिक, जॉस हेजलवुड, सहबाज अहमद, अनुज रावत, आकाश दीप, कर्ण शर्मा, महिपाल लोमरोर, फिन एलिन, सरफेन रदरफोर्ड, जिसन बैरनडॉफ, सिद्धार्थ कौल, सुयास, प्रभु देसाई, लुवनीत सिसोडिया, चमा मिलिंड, अनीश्वर गौतम एंड डेविड विले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे चले तो यहाँ पे आपको जो ओल्ड टीम्स है उसमें से आखिरी टीम हैदराबाद देखने को मिल जाएगी। हैदराबाद ने केन विलियमसन, अब्दुल सामद एंड अमरान मलिक को यहाँ पे रिटेन किया था। बात करें किन प्लस को ऑक्शन में खरीदा है एंड एक अच्छा खासा टीम बनाया सनराइजर्स हैदराबाद ने, तो वहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा वाशिंगटन सुंदर, निकोलस पूरन, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, प्रियमगर, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, विष्णु विनोद, कार्तिक त्यागी, श्रेयस गोपाल, जगदेशा सचित, एडन मार्करम, मार्को जेंसन, रोमिरो सैफर्ड, ग्लेन फिलिप्स, फजल हक, फारूकी, सीन एबर्ट, आर सामर्थ, ससंग सिंह एंड सौरभ दुबे का नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दो नई टीम्स भी हमें इस साल देखने को मिलेगी, वी ऑल नो, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गुजरात टाइटंस देखने को मिलेगी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात टाइटंस ने वी ऑल नो हार्दिक पांड्या, राशिद खान एंड शुभमन गिल, ये तीन प्लेयर्स को ड्राफ्ट करके या फिर आप कह सकते हो रिटेन ही किया था काइंड ऑफ ऑक्शन से पहले। बात करें स्क्वाड के बारे में तो आपको यहाँ पे मोहम्मद समी, डेविड मिलर, जेसन रॉय, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, लॉकी फर्ग्यूसन, अभिनव सदरांगनी, राहुल तिवटिया, नूर अहमद, आर साई किशोर, डोमिनिक ड्रेक्स, विजय शंकर, जयंत यादव, दर्शन नालकंडे, यश दयाल, बी साई सुदर्शन, गुरकीरत मान सिंह, अलजारी जोसेफ, वरुण अरुण एंड प्रदीप सांगवान देखने को मिल जाएंगे। आखिरी टीम के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एक नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने वियॉन लो, केएल राहुल, मार्कस टोनीसन, रवि विश्नोई को ऑक्शन से पहले अपनी टीम में लिया था ड्राफ्ट करके। लेकिन उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे क्विंटन डीकॉक, मनीष पांडे, जेसन होल्डर, दीपक हुडा, कुरुणाल पांड्या, मार्क वुड, आवेश खान एंड आवेश खान के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आवेश खान के बाद अंकित सिंह राजपूत, कृष्णप्पा गौतम, दुष्मंता चमीरा, सहबाज नदीम, मनन वोहरा, इवन लुइस, मोहसिन खान, मयंक यादव, आयुष बादोनी, काइल मेयर्स एंड यहाँ पे आपको करण शर्मा देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा स्क्वाड है नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का एंड ये सभी टीम्स का स्क्वाड था, सभी के सभी 10 टीम्स। कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ऑक्शन के बाद आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी लग रही है। ऑब्वियसली आगे आपको एनालाइज वीडियोस देखने को मिलेंगे जहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप डेफिनेटली कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छा कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा लगा। कुछ नहीं लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो अपना नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।